العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. اما بعد، طلبہ عزیز، آج کی گفتگو کو پچھلے درس سے مربوط کیجئے اور یاد کیجئے کہ پچھلے سبق میں بات چل رہی تھی مدمدہ اور استنشاق، واجب ہے یا سنت. بات تقریباً مکمل ہونے والی تھی لیکن متعینہ وقت 20 منٹ سے زائد ہو چکا تھا اور ابھی کچھ گفتگو باقی تھی، اس لیے آج کے سبق میں ان میں سے بعض باتوں کا اعادہ کیا جا رہا تاکہ بات مربوط ہو جاوے. آپ کو یاد ہے کہ امام احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن مبارک وغیرہم کے نزدیک، اسی طرح ان کے ساتھ ظاہریہ بھی ہیں، مدمدہ اور استنشاق دونوں چیزیں، وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں. اور یہ دونوں چیزیں موالک اور شوافع کے نزدیک دونوں جگہوں میں مسنون ہیں، اور احناف کے نزدیک یہ تفصیل تھی کہ دونوں چیزیں وضو میں تو سنت ہیں، غسل میں واجب ہیں. سنت ہونے سے متعلق جن روایات سے موالک اور شوافع نے استدلال کیا تھا، احناف کے لیے بھی وہی روایات کافی ہیں اور وہی دلائل کافی ہیں. البتہ احناف کے ذمے غسل میں واجب ہونے کو ثابت کرنا تھا، اس کی 5 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آخری دلیل پر گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدمدہ اور استنشاق فی الغسل پر بغیر ترک کے مواظبت فرمائی ہے. بغیر ترک کے مواظبت دلیل وجوب ہے. اب یہاں ایک علمی اشکال آپ کو پیش آ سکتا ہے کہ بغیر ترک کے مواظبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں بھی ثابت، پھر وضو میں مضمضہ اور استنشاق کو احناف نے واجب کیوں نہیں کہا اور غسل میں واجب کیوں کہا؟ جواب بڑا خوبصورت ہے اس کا، اور سچ یہ ہے کہ جب کوئی بات علمی ہوگی، کوئی سوال علمی ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی احناف کی طرف سے، ائمہ مجتہدین کی طرف سے بہت خوبصورت آپ کو ملے گا. آپ دھیان دیجئے، سوال یہ بنا، وضو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدمدہ اور استنشاق کبھی نہیں چھوڑا، تو یہ مواظبت بدونی ترک ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی، تو کیا وجہ ہے کہ احناف نے وضو میں تو واجب نہیں کیا اور غسل میں واجب کر دیا؟ سیدھا سا جواب یہ ہے اور خوبصورت جواب یہ ہے کہ غسل وضو میں اگر واجب کرتے تو آیت وضو پر مواظبت والی احادیث کی وجہ سے زیادتی لازم آتی،
और मुवाजबत वाली जितनी रिवायात व अहादीस हैं वो सब की सब अस कबीले अखबार आहाद हैं, और अखबार आहाद से किताबुल्लाह पर ज़्यादती मकबूल नहीं, जायज़ नहीं। इसलिए मज़मदा और इस्तिंशाक तो वुदू में यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाइमन किया है, मगर इस दवाम व मुवाजबत की वजह से वाजिब नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर वाजिब कह दिया जाए तो आयत वुदू या अय्युहल्लदीन आमनु इदा कुमतुम इलस्सलात फ़क्सलू वजूहकुम के मफहूम व मदलूल पर ज़्यादती लाजिम आएगी, इसलिए कि उसमें मज़मदा और इस्तिंशाक का ज़िक्र नहीं है। इसलिए वुदू में ये दोनों चीज़ें वाजिब नहीं कही जा सकती। रह गई बात गुस्ल की, गुस्ल में अगर मदमदा और इस्तिंशाक को वजूबन लाहिक कर दिया जाए, मुलहक कर दिया जाए, तो किताबुल्लाह पर ज़्यादती का मसला सामने नहीं आता, इसलिए कि आयते गुस्ल में ख़ुद कुरान मजीद ने एक लहसा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे मदमदा और इस्तिंशाक की गुंजाइश निकलती है। कुरान मजीद ने कहा है फत्तहरु व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, अगर तुम जुनबी हो तो फत्तहरु तत्हुर कर लिया करो। बाब तफाउल से इत्तहर यत्तहरु तत्हर इत्तहर एक ही चीज़ है, और इसमें मुबालगे का मफहूम है। तो अब तर्जमा यह है कि मुबालगे से पाकी हासिल किया करो, कुरान खुद कह रहा है मुबालगे से पाकी हासिल किया करो। अब किस तरह से मुबालगा करना है कुरान ने इसको बताया नहीं, रिवायत से हमने इसका पता लगाया, तो बस ये इतना मालूम हुआ कि मदमदा और इस्तिंशाक को गुसल के साथ जोड़ दिया जाए तो तत्हुर हो जाए। और जैसा कि पिछले सबक में अहनाफ की दलील नंबर एक के ज़िम्न में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात बतलाई गई कि वइन कुंतुन जुनुबन फत्तहरु में जो तत्हुर यानी मुबालगा फ़ी तहारत मतलूब है उसकी दो शक्ल थी। बात का यादा कर लीजिए, एक तो ये कि कमन गसल में मुबालगा किया जाए, और दूसरे कैफन। शरीयत में कैफन कैफियत गसल में मुबालगे की कोई सूरत मशरू नहीं। अब कमन करना है तो कम का भी दो महल है, एक तो यह है कि धोने की तादाद में तादाद गसल में इजाफ़ा किया जाए, दूसरी शक्ल ये थी कि तादाद मगसूल में इजाफ़ा किया जाए। तादाद गसल में इजाफ़ा ये भी मशरू नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है फमन ज़ादा अला हादा फ़कत तादा व ज़लम कह करके कि तीन से ज़ायद मर्तबा धोना शरीयत में मतलूब नहीं मशरू नहीं। इसलिए वज़ू के मुकाबले में गुसल में ऐसा नहीं कि तीन मर्तबा की जगह 10 मर्तबा धोने को कह दिया जाए, पानी बहाने को कह दिया जाए। हाँ, महल गसल और आदाए गसल में इजाफ़ा मुमकिन है। अब आदाए गसल में इजाफ़ा की भी दो शक्ल थी कि वज़ू में जो चीज़ें गैर वाजिब थी उनको वाजिब कर दिया जावे, जो मसनून थी उनको वजूब के दर्जे तक पहुंचा दिया जाए, या गुसल में जो धोई ही नहीं जाती थी उनको धोया जावे। तो इस एतबार से मदमदा और इस्तिंशाक जो वुदू में सुन्नत है उसको
वाजिब कर दिया गया और वज़ू में पेट पीठ और दूसरे आधा धोए नहीं जाते थे, तो इनको वाजिब कर दिया, इनको भी गुस्ल में वाजिब कर दिया जाए। तो ये जो वाजिब किया जा रहा है ये रिवायात की वजह से नहीं बल्कि फत्तहरू के बयान की वजह से, उसकी तफसीर की वजह से। अब किताब में आप आइए, फ़िल बाब अन उस्मान व लकीत इबन सबरा व इबन अब्बास व मिक़दाद इबन मादी करीब वाइल इबन हुजर व अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस व सलमा इबन क़ैस हदीस हसन सही मख्तलफ़ अहलुल इल्म। आपके सामने जो मसलक पेश किया गया उसकी तफसील किताब में देखिए। इख्तलाफ़ किया है मुहद्दिसीन ने उस शख्स के बारे में जिसने मज़मदा और इस्तिनशाक छोड़ दिया। तो एक जमात कहती है इदा तरका हुमा फिल वज़ू हत्ता सल्ला आदा, वज़ू में भी अगर दोनों को छोड़ दिया तो और नमाज़ पढ़ लिया तो यादा करना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? ज़ाहिर सी बात है ये वो हैं जो इसको वाजिब कहते हैं। वरा उदालिका, इन हजरात ने फतवा दिया वज़ू के बारे में और जनाबत के बारे में यकसा, ये दोनों में वाजिब है। इसके कायल हैं इबन अबी लैला, अब्दुल्ला इबन मुबारक, इमाम अहमद इबन हम्बल, इसहाक़ इबन राहवे। और इमाम अहमद इबन हम्बल ने यह भी फरमाया अल इस्तिनशाक औकद मिनल मज़मज़ा, इस्तिनशाक मज़मज़े से भी ज़्यादा मुअक्कद चीज़ है। क़ाल अबू ईसा, अबू ईसा तिर्मिज़ी कहते हैं कि और अहले इल्म की एक जमात कहती है गुसल में तो आदमी यादा करेगा, वज़ू में यादा नहीं करेगा। हाँ, यानी मज़मदा और इस्तिनशाक के बग़ैर गुसल कर लिया और नमाज़ पढ़ ली तो गुसल नहीं हुआ, इसलिए ऐसी पढ़ी हुई नमाज का यादा करेगा। और वज़ू में अगर मज़मदा और इस्तिनशाक नहीं किया और नमाज़ पढ़ ली तो इस नमाज के यादे की ज़रूरत नहीं। पता चला यही अहनाफ का कौल है। वक़ा हुआ कौल व सुफियान सौरी, ये यही सुफियान सौरी का कौल है। व बाज़ अहलिल कूफते, और बाज़ अहले कूफा का ये कौल है। बाज़ अहले कूफा से मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। व क़ाल ताइफ़तुन, और एक जमात ने ये कहा ला युईदु फिल वुदू वला फिल जनाबा, वज़ू में और जनाबत में दोनों में, यानी गुस्ल जनाबत में दोनों में अगर मदमदा और इस्तिनशाक छूट जाता है, नमाज़ आदमी पढ़ लेता है, इआदे की ज़रूरत नहीं है। लिअन्नहुमा सुन्नतुन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तजिबुल इआदा अला मन तरकहुमा फिल वुदू, इसलिए कि ये सुन्नत है जिसके तर्क से इआदा लाजिम नहीं आता है, न वज़ू में न जनाबत में। और वह हुआ कौल मालिक व शाफ़ी, यही हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुमल्लाह का मसलक है। आज के सबक में एक नई ताबीर आई हज़रत की तरफ से, हुआ कौल बाज़ अहलिल कूफा व कौल सुफियान सौरी व बाद अहलिल कूफा, यही कौल यानी मज़मज़ा और इस्तिनशाक वज़ू में सुन्नत है, गुस्ल में वाजिब है, यही कौल सुफियान सौरी का और बाज़ अहले कूफा का है। बाज़ अहले कूफा से मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या हनफिया है। अब एक सवाल होता है, इमाम शाफ़ी का नाम लेते हैं, इमाम मालिक का नाम लेते हैं, इमाम अहमद इबन हम्बल का नाम लेते, अब्दुल्ला इबन मुबारक का, इसहाक इबन रावय का, इसकी इन ऐसे तमाम बड़े अकाबिर का नाम लेते हैं, इमाम अबू हनीफा का नाम लेने की नौबत आती तो बाज़ अहलिल कूफा से ताबीर करते, इसकी क्या वजह है? तो बाज़ वो लोग जो अहनाफ से ज़रा सा खार खाए हुए हैं, क़ुर्ब नहीं महसूस करते, उन्होंने ये हवा उड़ा दिया और बात फैला दी कि इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह अहनाफ से
और ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा से खुश नहीं हैं, इसलिए ऐसों का नाम लेना पसंद नहीं करते। मगर ये बात सही नहीं है, जिस किस्म की ये बात बेवजन है उसी तरह कोई उसी अंदाज का मुखातबाना मुजादलाना जवाब भी दिया जा सकता है, मगर उसमें कोई नफ़ा नहीं। सही बात क्या है वो जानने की ज़रूरत। सही बात यह है कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के कई वास्तों से शागिर्द बनते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक्र पहुँचने में इमाम तिर्मिज़ी तक कई वास्ते हो जाते हैं। अब एहतियात का तकादा हजरत ने यह देखा कि अबू हनीफ़ा की फ़िक्र मेरे यहाँ पहुँचने में कई वास्ते बन जाते हैं, और अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस ज़माने में बहुत सारे मुखालिफिन भी थे, तो हजरत डरते थे कि इतने वास्तों से एक फ़िक्र आ रही है जिसका यकीन इल्म मुझे नहीं कि यह हजरत की फ़िक्र है या किसी ने अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा दिया है। इसलिए एहतियात की बुनियाद पर हजरत ने नाम लेना पसंद नहीं किया और एहतरामन यूँ कह दिया, वह हुआ कौलो बाद अहलिल कूफा, कि यही अहले कूफा में बाज़ लोगों की राय है। तो ये कलमे एहतराम है, ये ताबीर एहतराम है कि इस अंदाज से इमाम अबू हनीफ़ा की और इमाम अबू हनीफ़ा के कौल की अजमत का इजहार फरमा रहे हैं। बहरहाल आज का उन्वान था जो मुकम्मल हुआ के मदमदा और इस्तिंशाक, गुस्ल में और वज़ू में इनकी क्या हैसियत है, इस सिलसिले में तीन मसलक और तीनों के दलायल आप हजरात के सामने पेश किए गए। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ला तंसौ अलइजाब बिलवीडियो वलइश्तिराक फिल कना तशजीअन लना लनस्तमर बिनशर अलमजीद इंशा अल्लाह।